ओम शांति। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मा कुमारीज का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना हुआ है। सॉलिड वेस्ट माना इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश होता है, एक तो वेट वेस्ट और दूसरा ड्राई वेस्ट। वेट वेस्ट हम किसको कहते हैं, जो बचा हुआ खाना है या सब्जी का डेंटल है या फल है या सड़ा हुआ जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे गार्डन वेस्ट है, शूट्स है, ट्रीज के लीव्स है, वो सारा उसको ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट कहा जाता है। तो वेट वेस्ट के लिए प्रोसेस ये सेट किया है कि सारा अपने मेन कैंपस जो है, जैसे पांडव भवन है, ज्ञान सरोवर है, शांति वन है, दोनों हॉस्पिटल है, इन कैंपस की विशेषता ये है कि इनमें सेंट्रलाइज्ड किचन है और सेंट्रलाइज्ड डाइनिंग है। तो जो भी बचा हुआ खाना है या सब्जी है 90% एक ही जगह आके कलेक्शन होता है। वो कलेक्शन हम अलग अलग व्हीकल्स में भी कंपार्टमेंट होंगे, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। व्हीकल्स ऐसे ट्रांसपोर्ट यहाँ तक आएगा और ये सुविधा ऐसी की है कि डायरेक्ट व्हीकल अंदर आएगा इस शेड में और यहाँ से डायरेक्टली वो आप टेबल देख रहे हैं वो टेबल पे अनलोड होगा और अनलोड होके जो भी फाइन सेग्रीगेशन है वो टेबल पे ही होगा और फाइन सेग्रीगेशन के बाद छोटे बड़े जो भी साइजेस आते हैं उसको श्रेडिंग करके एक साइज में श्रेड किया जाएगा, मतलब टुकड़े किए जाएंगे। उसके बाद जो है वो जूसर में जाता है, जूसर में जाके उसका पल्प बनेगा, सारा ऑर्गेनिक का पल्प बनेगा। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्कीम में, ये श्रेडर है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट श्रेड हो गया, फिर जूसर है, जूसर से पल्प बनता है, ये मिक्सिंग पिट में आता है, ये अंडरग्राउंड में मिक्सिंग पिट है, यहाँ से पंप होके ये बड़े डाइजेस्टर में आ जाता है। ये बड़ा डाइजेस्टर क्या करता है, इसके अंदर हमने दो ढाई महीने से गोबर डाल के इसको कल्चर किया है, तो इसमें बैक्टीरिया कल्चर हुआ है, तो जो भी खाना हम इसमें डालते हैं वो बैक्टीरिया उसको खा लेता है और वो खाना बैक्टीरिया जब खा लेता है तो बायोगैस बन जाता है और दूसरा लिक्विड फॉर्म बन जाता है। इसमें दो बायो प्रोडक्ट निकलते हैं। तो बायोगैस को हम कलेक्ट कर रहे हैं ऊपर के बलून में, जो कि आप बाहर देख सकते हैं, बायोगैस डाइजेस्टर बना है, बलून में सारा कलेक्शन होता है और वो बायोगैस फिर हम जनरेटर में लेके जाते हैं। जैसे डीजल जनरेटर होते हैं ऐसे ही अपने पास बायोगैस का जनरेटर है, तो जब बायोगैस जनरेटर में जाता है वहां से बिजली बनती है। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रोज का 500 यूनिट हम बिजली बनाएंगे, एवरीडे 500 यूनिट्स। तो वो बिजली हम जैसे व्हीकल चार्जिंग में यूज कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ का पूरे कैंपस का जो लोड है उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर ये जो इक्विपमेंट चल रहे हैं उसमें लगा सकते हैं, तो ये सारा लोड कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पे जीरो लोड पे अपना कैंपस चलेगा, क्योंकि बायोगैस बन रहा है और बायोगैस से बिजली बन रही है और बायोगैस किससे बन रहा है, वेस्ट से बन रहा है। तो वेस्ट से हम एनर्जी भी बना रहे हैं, बायोगैस भी बना रहे हैं और बिजली भी बना रहे हैं, तो वेस्ट से ही सारा कैंपस चलाएंगे। दूसरा इसमें फायदा ये है, जैसे ड्राई वेस्ट जैसे बताया मैंने, ड्राई वेस्ट में क्या है, पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है, ये सब ड्राई वेस्ट में गिना जाता है। अभी ड्राई वेस्ट को फिर यहाँ आने के बाद उसको भी हम सेग्रीगेट करेंगे, पेपर को पेपर में डालेंगे, प्लास्टिक को प्लास्टिक में डालेंगे। ऐसे सेग्रीगेशन करने के बाद अपने पास एक बेलिंग मशीन है, वो हाइड्रोलिक प्रेस होता है, तो पेपर को जैसे दबाया इतना सारा पेपर इतना बन जाएगा, इतना सारा प्लास्टिक इतना बन जाएगा, उसको बेलिंग कहते हैं। वो बेलिंग होने के बाद उसका बंडल बना के उसको सॉर्टिंग करके रख सकते हैं, स्क्रैप वालों को उसको रिसाइकिल के लिए हम बेच सकते हैं आराम से, तो उसका भी रेवेन्यू हो गया, स्क्रैप का रेवेन्यू इनकम जनरेट होता है। और यहाँ से भी जैसे कि बताया बायोगैस से बिजली बन रहा है, प्लस यहाँ से जो लिक्विड फॉर्म में बचता है बैक्टीरिया खाने के बाद, दैट इज ऑर्गेनिक मैन्योर, बहुत अच्छा वो खाद है। वो खाद जो है हम टैंकर में भर के अपने गार्डन्स में और खेती में वो सारा अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इतना अच्छा खाद है कि अपने को दूसरा कुछ फर्टिलाइजर केमिकल कुछ लाने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक रहेगा और वेस्ट से हम खाद भी बनाएंगे। ये खाद बाहर में बिकता है, अगर इसको ड्राई करके पैक करो ना 10 रुपए किलो तक बिकता है। तो जितना हम अंदर डालेंगे, समझो हमारा कैपेसिटी अभी है 3200 किलो पर डे का हमारा इनपुट कैपेसिटी है, इतना हम वेट वेस्ट पर डे ले सकते हैं, मतलब 3 टन के करीब। अपना जो अभी तक का कैलकुलेशन है 1 से 1.5 टन हम अभी जनरेट कर रहे हैं पूरे सारे कैंपस का मिला के। तो जितना हम अंदर डालते हैं उतना ही हम मैन्योर के हिसाब से लिक्विड मैन्योर से बाहर लेते हैं, तो समझो रोज का 2 टन भी हम बाहर लेते हैं तो 20,000 रुपये तो इसी का हो गया, और ऊपर 500 यूनिट हो गया, 10 रुपये यूनिट करेंगे तो 5,000 उसका हो गया,
25,000 तो यही इनकम जनरेट हो रहा है, और ये अलग। तो वेस्ट से हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बोलते हैं, होलिस्टिक अप्रोच जो बोलते हैं, क्योंकि हमारी संस्था जानी जाती है स्वच्छता के लिए। कोई भी पहली बार आता है तो वो बोलता है कितना साफ सुथरा स्वच्छ है ना, ब्रह्मा कुमारीज का यही है अपना। तो उसको हम बरकरार रखते हुए, मगर कचरा एक जगह से उठा के कहाँ डाल रहे हैं और डालने के बाद उसका क्या कर रहे हैं, तो उसका जो मॉडल है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये मॉडल देखना चाहती है सक्सेस में। आजकल आप देख रहे होंगे सारा कलेक्शन तो होता है, बट कलेक्शन के बाद जो प्रोसेस आगे होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आप मेट्रो सिटीज में जाके देखो, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ जम गए हैं। क्यों जम गए हैं? क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। आगे सेग्रीगेशन होना है, प्रोसेस होना है, हर एक वेस्ट को उसके हिसाब से अपने को ट्रीट करना होता है। तो यहाँ पे जब ये कम्युनिटी एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूट, एज अ कम्युनिटी, जब हम इसको ये मॉडल रूप में दिखाएंगे और लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है, तो दूसरे भी जो कम्युनिटीज है, दूसरे भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े संस्थाएं हैं, वो भी इससे प्रेरणा लेके अपने मॉडल को रेप्लीकेट करना चाहिए। जैसे अपना किचन है, किचन को देख के सब यही कहते हैं, हाँ भाई ये कम्युनिटी वाला जो किचन है ऐसे डिजाइन होना चाहिए। ऐसे ही वेस्ट के लिए भी हमने ये मॉडल के रूप में बनाने की कोशिश की है।